शर्मा प्रोडक्शन के स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए अय्यारी डिजास्टर साबित हुई है। इस फिल्म को सिद्धार्थ की वापसी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने की ओर बढ़ रही है। फिल्म पिछले चार दिनों में बॉक्स ऑफिस पर केवल 13 करोड़ 25 लाख रुपए ही कमा पाई। फिल्म की कमाई को देखकर तो यही लग रहा है कि सिद्धार्थ को करियर में आगे बढ़ने के लिए जिस फिल्म का इंतजार पिछले 2 सालों से था, कम से कम वो फिल्म अय्यारी तो नहीं। अय्यारी का टोटल बजट 60 करोड़ रुपए है। इस फिल्म ने पहले वीकेंड 11 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए। इसके बाद से ही टिकट खिड़की पर ये फिल्म दर्शकों के लिए तरस रही है। ऐसा हाल तब है जब फिल्म में मनोज बाजपेयी भी हैं। ये फिल्म न केवल सिद्धार्थ के लिए इम्पोर्टेंट थी, बल्कि बॉलीवुड में वापसी कर रही रकुल प्रीत सिंह को भी इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी। वहीं सिद्धार्थ के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो पिछले साल रिलीज हुई अ जेंटलमैन, सोनाक्षी संग इत्तेफाक और बार बार देखो भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। कहना गलत नहीं होगा कि सिद्धार्थ का करियर खतरे में है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड की हर खबर के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।